एसेट्स एंड लाइबिलिटी एकमात्र ऐसी चीज जिसकी वजह से इंसान या तो अमीर से और भी अमीर बन सकता है या फिर गरीब से और भी गरीब। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स यार दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओरिजिनल एसेट्स और एक होता है डुप्लीकेट एसेट्स। और हम में से अक्सर मैक्सिमम लोग इन डुप्लीकेट एसेट्स को उठा कर ले आते हैं और उन्हें ही ओरिजिनल समझने लगते हैं। तो इसी का एक बहुत बड़ा रीजन है हम हमारी लाइफ में लॉन्ग टर्म में कभी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते। वैसे अगर आप एसेट्स की डेफिनेशन गूगल पर सर्च करोगे तो समझने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी आपको, इसलिए हम एकदम सिंपल वर्ड्स में रॉबर्ट कियोसाकी जो कि रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर है उनके टर्म्स में समझेंगे। ओके, सो एसेट्स मतलब आपकी खरीदी हुई या बनाई हुई कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपके जेब में पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं एसेट्स। सिंपली एसेट्स मींस विच पुट्स मनी इन योर पॉकेट। आई रिपीटेड अगेन, एसेट्स मतलब आपकी खरीदी हुई या बनाई हुई कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से रेगुलरली आपके जेब में पैसा आ रहा है, वो चीज रेगुलरली आपकी जेब में पैसा डाल रही है तो उसको बोलेंगे हम एसेट्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो आपका एक घर है, ओके, और आपने उस घर को रेंट पर दिया है और उस घर का 20,000 रुपए पर मंथ रेंट आपको आ रहा है, तो ये 20,000 रुपए डायरेक्टली आपके जेब में आ रहा है, तो ये घर आपके लिए एक एसेट्स है जो कि 20,000 रुपए पर मंथ आपकी जेब में डायरेक्टली डाल रहा है। ये चीजें आपको क्लियर हो रही है? मान लो आपकी एक वेबसाइट है, ओके, और आपने उस वेबसाइट पर एड्स लगाई हुई है और आपको पर मंथ 30,000 का ट्रैफिक उस वेबसाइट पर आ रहा है गूगल से, तो इन एड्स का पैसा पर मंथ आपको आता रहेगा। या अगर आपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट किया है तो जब भी कोई उस लिंक से खरीदेगा तो उसका कमीशन आपको पर मंथ आता रहेगा। तो इस वेबसाइट से आप पर मंथ 20,000 या 30,000 रुपए जनरेट कर रहे हो पर मंथ, तो ये वेबसाइट भी आपके लिए एक एसेट है जो कि ये 20,000 या 30,000 रुपए पर मंथ आपकी जेब में डाल रही है। दिस इज कॉल्ड एन एसेट्स। Simply asset means what? Simply which puts money in your pocket. कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है regularly, वो आपके लिए एक asset है। उस पर regularly काम करना और उसको grow करना ताकि future में आपको और ज्यादा revenue दे पाए। So यार, क्या आप अभी ये बोल सकते हो कि मुझे assets का definition पता है? Yes, बिल्कुल। So I hope आपको assets समझ आ गया होगा कि assets क्या होते हैं। So, अब हम बढ़ते हैं लाइबिलिटी की तरफ। नाउ व्हाट इज लाइबिलिटी? अब लाइबिलिटी का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट होता है एसेट से। लाइबिलिटी मतलब आपकी कोई भी चीज जिसकी वजह से आपके जेब से रेगुलरली पैसा जा रहा है उसको बोलेंगे हम लाइबिलिटी। सिंपली लाइबिलिटी मींस विच टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। हमने एसेट में क्या पढ़ा था? एसेट मतलब आपकी कोई भी चीज जिसकी वजह से आपकी जेब में पैसा आ रहा है उसको बोलेंगे एसेट। एसेट जो होते हैं आपकी जेब में पैसा डालते हैं, और लाइबिलिटी मतलब इसका उल्टा ही है, ये आपकी जेब से पैसा काट रही है। इट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। एग्जाम्पल हम समझते हैं, ओके, एग्जाम्पल आपको बड़ा घना प्यार है आईफोन से, ओके, तो आपने क्या किया, 1,00,000 का आईफोन उठा कर ले आए और ईएमआई पर, और उसका 5,000 रुपए पर मंथ ईएमआई जा रहा है आपकी जेब से। तो जनाब आपने एक लाइबिलिटी उठा कर लिया है, यह आईफोन आपके लिए एक लाइबिलिटी है जो 5,000 रुपए पर मंथ आपकी जेब से निकाल रहा है। लेकिन आप बोलोगे भैया 1,00,000 का आईफोन तो आ गया, अगर हम इसको बेचेंगे तो इसके कुछ पैसे आएंगे हमको, और हम तो इसको कैश पर लिए हैं। तो मित्रों, ये आईफोन ये एक ओरिजिनल एसेट नहीं है, ये एक डुप्लीकेट और डिप्रिशिएटिंग एसेट है। अब डुप्लीकेट और डिप्रिशिएटिंग एसेट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो पहले आपको ये समझ आ गया कि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। लाइबिलिटी मीन्स सिंपली विच टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। अब ये डिप्रिशिएटिंग और डुप्लीकेट एसेट्स क्या होते हैं? ये ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होते, मतलब ऐसा कोई एसेट जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है उसको बोलेंगे हम डुप्लीकेट एसेट या डिप्रिशिएटिंग एसेट। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आईफोन ओनली। एक आईफोन, हम एग्जांपल आईफोन का ही लेते हैं। 1,00,000 का आईफोन मान लो आपने लेकर आए थे, तो अगर आप इस 1,00,000 के आईफोन को 1 साल बाद बेचोगे तो आपको क्या लगता है, इस आईफोन का आपको 1,10,000 आएगा या फिर 1,00,000 ही आएगा 1 साल बाद? ना, ये आईफोन अपनी वैल्यू को लूज कर देगा। इसका आपको 1 साल बाद 30,000 से 40,000 रुपया ही मिलेगा। आपको कोई इसका 1,00,000 है उससे बढ़कर प्राइस नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये डिप्रिशिएटिंग एसेट है। ये ओवर द टाइम इसकी वैल्यू घट जाएगी ना कि बढ़ेगी, तो ये डुप्लीकेट एसेट है। लेकिन इनकी कोई वैल्यू होती है मार्केट में,
ये बेकार नहीं होते, ये अपना एक रेट होता है। जैसे मैंने कहा एक साल बाद 30,000 से 40,000 रुपए आएगा क्योंकि इसकी ब्रांड की वजह से, और ये एक एसेट है, ये यूज में आएगा लोगों की, तो ये डुप्लीकेट एसेट है। तो डुप्लीकेट और डिप्रिशिएटिंग एसेट क्या है? कोई भी ऐसा एसेट जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे हम डुप्लीकेट और डिप्रिशिएटिंग एसेट। लेकिन मार्केट में उनकी अपनी एक वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट। सो अब हम बात करते हैं ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेट एसेट्स की। ओरिजिनल एसेट्स क्या होते हैं? ओरिजिनल एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में डायरेक्टली पैसा डालते हैं, और डुप्लीकेट एसेट्स क्या होते हैं? जो आपकी जेब में इनडायरेक्टली पैसा डालते हैं या उनकी अपनी कोई वैल्यू होती है मार्केट में। जैसे पीछे हमने देखा था डुप्लीकेट एसेट्स के डेफिनेशन में, अब ओरिजिनल में क्या आ गया? जैसे रियल स्टेट, जैसे पीछे ही एग्जांपल में हमने रेंट की बात की थी, जो 20,000 रुपए पर मंथ रेंट आपके जेब में आ रहा है, तो ये घर डायरेक्टली आपके जेब में पैसा डाल रहा है, तो ये ओरिजिनल एसेट्स है। और क्या हो गया? जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, मान लो आपने आज 10 लाख का गोल्ड खरीद लिया, एज अ इन्वेस्टमेंट किया गोल्ड में, और 2 से 3 साल बाद ही उस गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, तो यही 10 लाख आपका 11 से 12 हो जाएगा। अगर मार्केट ने और अच्छा परफॉर्म किया तो ये 13 तक भी जा सकता है। तो ये डायरेक्ट आपकी जेब में पैसा डालने वाले एसेट्स हैं ओरिजिनल। और शेयर्स, ओहो दिस इज बेस्ट, अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है, आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे बड़ा एसेट और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा और इससे ज्यादा प्रॉफिट देने का दम दूसरा कोई एसेट्स नहीं रख सकता इसके अलावा, शेयर्स के अलावा। मान लो आज आपने 100 शेयर्स खरीदे, ओके, और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो कितना हो गया? 1,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होंगे, तो एक हफ्ते बाद ही ये 10 रुपए के शेयर की कीमत 10 से बढ़कर 50 हो जाती, तो आपके एक हफ्ते में 1,000 कितने हो गए? 5,000 रुपया हो गया। तो देखा आपने, सिर्फ एक हफ्ते में आपका पैसा 5 गुना बढ़ गया। लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, इसीलिए मैंने कहा आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए, तब आप छोटे से इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। इसको इग्नोर मत कीजिए शेयर्स को, इसकी नॉलेज लेना आज से स्टार्ट कीजिए। So whatever which puts directly money in your pocket is called original assets, okay? अब duplicate asset की बात करते हैं, हमने बात की है, वैसे हम एक और example देखते हैं, okay? एक कार का, मान लो आज आपने 10 लाख की कार खरीद ली, okay? अब 3 साल बाद आप इसको बेचने का इरादा करते हो, तो आपको क्या लगता है? आपको इसके बढ़कर पैसे आएंगे, इस 10 लाख के 11 हो जाएंगे? ना, इसके आपको 6 से 7 लाख ही आएंगे, क्योंकि ये एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, ये वक्त के साथ अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है। सिंपली यार, अगर आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट एसेट में डिफरेंस समझना हो ना, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ। जिस किसी चीज की भी कीमत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है ना, तो समझ लेना वो एक ओरिजिनल एसेट है, और जिस किसी चीज की कीमत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घट रही है ना या घटने वाली है, वो एक डुप्लीकेट एसेट है, उससे दूर रहना। और भी हो गया, मटेरियलिस्टिक चीजें हो गया यार, आप इनको बेचते हो इन डुप्लीकेट एसेट्स को, इनका पैसा आएगा, लेकिन अपनी वैल्यू से हमेशा घट कर पैसा आएगा इसका, आपको कोई भी बढ़कर पैसा नहीं आएगा, या आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता, बहुत ज्यादा कहिए आपको प्रॉफिट ही नहीं दे सकते यार, ये सिर्फ आपको यूज करने के लिए होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन डुप्लीकेट एसेट्स को मत उठाओ, मत खरीदो, लेकिन पहले कुछ उखाड़ो तो सही अपने लाइफ में, कुछ बड़ा उखाड़ो, पहले इस काबिल तो बनो, तब एक नहीं ऐसे 10 ऐसे 1,000 ऐसे डुप्लीकेट एसेट भी आपके पास होंगे ना, तब आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ओरिजिनल एसेट्स को बिल्ड करने पर फोकस कीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बढ़ सके, और इन लायबिलिटी से जितना हो सके उतना दूर भागिए, और सिर्फ ये एसेट्स को बिल्ड करने पर ही आप फोकस कीजिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ओके, जैसे आपने एसेट और लायबिलिटी को समझा क्या होता है वो, तो उसके हिसाब से, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका घर आपके लिए एक एसेट है या लायबिलिटी है, ये सोचकर कमेंट्स में बताना। इससे आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपका फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप होगा इससे। और हमें से यार अक्सर मैक्सिमम लोग इन डुप्लीकेट एसेट्स के पीछे ही भागते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को जमा करने के पीछे ही भागते हैं, इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म में कभी वेल्थ ही नहीं क्रिएट कर पाते हम लोग। लेकिन मेन जो आपको वो ओरिजिनल एसेट्स को बिल्ड करने पर ही फोकस करना है, और उसको ग्रो करना है, अभी आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ अपने लिए क्रिएट कर पाओगे। सो एसेट्स को बिल्ड कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, और लायबिलिटी से दूर भागिए। सो आई होप आज की क्लास से आपको बहुत सी वैल्यू मिली होगी, बहुत सी नॉलेज मिली होगी, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ी होगी आपकी इससे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।